हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटीजीएम चैनल एंड गेट पीसीएम पर आपका स्वागत है। आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। आज हम आपकी बात कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे एस्पिरेंट से जिसने एक साल पूरा संघर्ष किया और उसे एक साल संघर्ष करने के बाद उसको क्या क्या यू नो पर्क्स मिले उसको हम अगर बात करें तो आज हमारे साथ है अर्शदीप कौर। बहुत सारे स्टूडेंट अर्शदीप को जानते हैं और इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट भी कर रहे थे कि अलका मैम अर्शदीप के साथ कब इंटरव्यू लेंगे। सप्तऋषि के साथ तो रह ही गया था, अर्शदीप के साथ तो कर लेना बनता है। तो पॉइंट ये था कि अर्शदीप कौन है, इसने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, कौन से मेंटोर की बात सुनी और फिर उसके बाद इसने अभी ये करंटली क्या कर रही है, ये सब बातें सब बच्चों को जाननी है। अर्शदीप, तो सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पर आए, ठीक है। आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ इस टाइम पर शेयर कर रहे हैं। आई नो दैट आपको थोड़ी देर में लैब में जाना होगा एंड सब कुछ सेटअप होता है, आप सबका बिजी लोग होते हैं हम सब, ठीक है। तो आपका स्वागत करते हैं। ओके, तो अर्शदीप आप सबसे पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया। क्रिसमस पे यस मैम, पता नहीं सेंटा क्लॉज थे हम उस दिन आपके। ओके, तो उस दिन आपकी आपका जीओसी का 7th लेक्चर चल रहा था तो फिर वहां से आपके साथ कंटिन्यू हुए थे। ओके, तो मतलब बेसिकली आपने एक वर्ड बोला कि मैं रैंडमली आपके साथ कनेक्ट हुई। तो बच्चों, ये आप सब जो भी सेशन को देख रहे होंगे, आप सब भी रैंडमली मेरे साथ कनेक्ट हुए होंगे। ये रैंडमली करते करते ये लड़की आज TIFR मुंबई में अपना इंटीग्रेट PhD का कोर्स कर रही है। और जैसे इसने बताया कि इसने IITJEM के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था और जहाँ तक मुझे याद है इसे नहीं पता था TIFR के बारे में, है ना। क्लासेस के अंदर हमने बताया कि बच्चे TIFR नाम का भी एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम ना दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में हो जाता है, मतलब वो संडे जब भी आता है। तो अर्शदीप ने वो एग्जाम दिया, वही बात की तैयारी ये IITJEM की करने आई थी, ये मेरे पास IITM बनने आई थी, पर हमने इसको इतना हमने क्या इसकी खुद की मेहनत भी थी इतना काबिल बना दिया कि इसने IIT को ड्रॉप किया, इसने ISC बेंगलोर को ड्रॉप किया, मतलब कितनी बड़ी बात है। और बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अर्शदीप ने ना ही केवल IITJEM या TIFR का एग्जाम, इसने गेट का एग्जाम भी क्रैक किया। ये बहुत बड़ी बात है, एक सब्सक्रिप्शन से, एक प्रिपरेशन से इस लड़की ने IITJEM, TIFR और आपका क्या बोलते हैं गेट एग्जाम को क्रैक किया, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अर्शदीप आपसे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि TIFR के अंदर कितना सिलेक्शन रेशो है, मतलब आपके बैच में कितने बच्चे हैं इस टाइम पर, 5, 10, 15, क्योंकि मुझे पता है कि वो अंडर 50 नहीं रहते हैं, 15 से ऊपर तो कभी नहीं गए होंगे। आपके बैच में कितने बच्चे हैं इस टाइम? इस बार जिन्होंने ज्वाइन किया जी, और इस बार का मतलब सबसे छोटा बैच है जिन्होंने ज्वाइन किया, वी आर 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 2 आर इंटीग्रेटेड PhD। ओके, और सिलेक्शन IPhD में 4 रेजिडेंट स्कॉलर्स थे और 2 डे स्कॉलर्स। ओके, तो बेसिकली 5 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए बच्चा, नो डाउट आपको भी पता है कि एग्ज़ाम देने कितने बच्चे आए, उसके बाद इंटरव्यू में कितनों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। अच्छा अर्शदीप, एक बात बताइए, आपको कभी ऐसा लगता है कि भाई मैंने IIT को छोड़ दिया, मैंने ISC बेंगलोर को छोड़ा, कोई रिग्रेशन आया TIFR के अंदर आके, क्योंकि बच्चों को रहता है ये? नहीं, मेरी क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस एक्चुअली मेरी TIFR मुंबई थी, क्योंकि मेरे को थ्योरी में जाना था तो। अच्छा, हाँ बच्चों, इसने TIFR हैदराबाद को भी ड्रॉप किया, मैं ये बताना भूल गई कि इसको TIFR मुंबई से भी कॉल आई थी और TIFR हैदराबाद से भी कॉल आई थी, इसने मुंबई को सेलेक्ट किया, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, आपने जो प्रिपरेशन करी है
जैसे आपने प्रिपरेशन करी, आपने बताया आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए थे दिसंबर के टाइम पे, उसके बाद आप लगातार हमारे साथ चलते रहे। इवन अगर आप किसी को यकीन नहीं होता तो आप मेरी क्लासेस को देख सकते हो। आप सभी 2023 में सिर्फ अर्शदीप की बात होती थी, अर्शदीप आप ये बताओ, क्योंकि यही अकेली क्लास में काम कर रही होती थी, और भी बच्चे थे उनका भी सिलेक्शन हुआ, तो मेरा तो ये मानना है जो काम करते हैं उसी का सिलेक्शन होता है। अब अर्शदीप आप ये बात बताइए कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एक एजुकेटर को फॉलो कर रहा है तो क्या वहां से सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं या डायवर्जन होने के चांसेस होते हैं? ये बच्चों का बहुत डाउट है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या कोई और भी है एक ही पर्टिकुलर या किसी और एजुकेटर को फॉलो कर रहा है, तो उनको रहता है कि भाई हम इस एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उनसे पढ़े या नहीं पढ़े। आप इसके बारे में क्या कहते हो? मैंने तो मैम सिर्फ आपकी क्लासेस ही देखी थी सिर्फ, तो अगर इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन कि वो कितना कर रहा है, क्योंकि हर एक टीचर अच्छा ही पढ़ाएगा। एक एजुकेटर को फॉलो करोगे तब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं होगा। इनफैक्ट ज्यादा अच्छा प्रपोर्शन होगा कि आप सिर्फ एक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, क्लैश नहीं होगा क्लासेस का, कोई मटेरियल क्लैश नहीं होगा, क्योंकि हर एक का पढ़ाने का एक अपना तरीका होता है। कॉन्सेप्ट क्लैश हो जाता है तो सारा काम खराब हो जाता है, तो सब मिक्स हो जाएगा फिर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ओके अच्छा देखो, मैं तो जानती हूँ कि आपने बुक्स पढ़ी है। मुझे अपना याद है कि मैंने अपने आईआईटी जैम पर आरके प्रसाद को हाथ तक नहीं लगाया था क्वांटम केमिस्ट्री के लिए, और आप वो बच्चे हो जिसने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में क्वांटम को आरके प्रसाद को पढ़ डाला। मतलब अच्छा बुक्स के बारे में, मतलब ये होता है कि आपको बुक्स में इंटरेस्ट है रीडिंग करने का, हमने तो खुद बाद में पढ़ी थी। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई बच्चा किताबें पढ़ता है और एक बच्चा जो नहीं पढ़ता है, दोनों के सिलेक्शन में क्या फर्क देखने को मिल सकता है? अगर बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके अगर हम पेपर की बात करें तो आईआईटी जेम का पेपर फॉर्मूला बेस्ड है, जो नोट से हो सकता है। डीआईएफ का पेपर नोट से सिर्फ नहीं हो सकता, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर बुक्स साथ साथ पढ़ोगे आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आप उसको और डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने की भी फिर कोशिश करोगे क्वेश्चन के साथ साथ कि हाँ मैं इसे ऐसे भी सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। तो आप जरूरी नहीं है सारे चैप्टर्स की पढ़ने, जिस चैप्टर में इंटरेस्ट है बेसिकली सिर्फ उसी की बुक पढ़ लो चाहे। मतलब वो पढ़ने से एक एक रूमर याद है आपको, क्लेडन पढ़ते हैं हम सब, वो ये बात याद है। मैंने कहा कि जब मुझे याद है जब अर्शदीप हमसे पढ़ रही थी, मैंने ये मैं बात अक्सर बोलती हूँ क्लास में कि जब आप टॉपर बन जाओगे, आप अपना एग्जाम क्रैक कर जाओगे तो आप कहोगे मैंने क्लेडन पढ़ी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने क्लेडन के कितने चैप्टर पढ़े, 5 पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, उसमें कितने चैप्टर है और कितने से हम पढ़ते हैं। मैंने सही कहा ना अर्शदीप? सिर्फ टॉपिक टॉपिक हमने पढ़े हैं जो हमें पढ़ाए गए हैं, हमने ज्यादा नहीं पढ़ा। हाँ चलो ये एक सच बोल रही है, वरना 90% टॉपर ही कहते हैं मैंने क्लेडन पढ़ी, मैंने आर के प्रसाद पढ़ा, मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने ये पढ़ी। तो मतलब ये है अर्शदीप ने जो बात कही है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप बुक रीडिंग को कर सकते हैं। अच्छा बच्चों का रहता है कि मैम हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं बनता बुक रीडिंग के अंदर, क्योंकि बुक रीडिंग में एकदम से इंटरेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उस ऑथर को समझने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। आपको पहले दिन लगेगा मेरे को नींद आ रही है, दूसरे दिन भी लगेगा नींद आ रही है, उसके साथ फ्रिक्वेंसी मैच करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक इंसान ने भी तो वो बुक लिखी है। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, एज माई मेरे मम्मा बहुत बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ से भी मेरे को आदत पड़ी है बुक्स पढ़ने की एक्चुअल में। तो उन्होंने यही कहा कि टाइम दो, पहले दिन समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन समझ नहीं आएगा, तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा, और फिर आपकी उस बुक के साथ फ्रिक्वेंसी मैच करेगी। जब भी मैं घर जाती हूँ मेरे मम्मा कोई ना कोई बुक उठा कर पढ़ ही गए होते हैं, तो उनसे भी मेरे को बहुत डेफिनेटली आपको आपके पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हर कोई बच्चा सबसे पहला जो आपको इंस्पिरेशन मिलता है कुछ भी, वो आपके पेरेंट्स से मिलता है। हम बाद में आएंगे, सबसे पहले पेरेंट्स आएंगे। मैं तो कहती हूँ कि किताबें भी हमारी बाद में है, सबसे पहले पेरेंट्स से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। तो भाई मतलब बहुत बड़ी बात है आपके पेरेंट्स। अच्छा जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया, अभी वो कितना कैसा फील करते होंगे, मतलब कि भाई हमारी बेटी आईआईटी उन्होंने उसने ड्रॉप कर दिया, टीफर हैदराबाद, आईएससी बंगलोर, तो अभी उनको कैसा फील होता है? आपकी बातचीत तो होती होगी, अब कैसे मतलब कैसा होता है फील? मतलब
मतलब वो खुश हैं कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, और वो बस यही करें कि अब अपना आगे और अच्छा करो ताकि तुम आगे भी और अच्छे से जा सको, बस यहाँ तक मत थको, आगे भी हाँ मेहनत करो। हाँ लेकिन ये वो काफी खुश हुए थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। हाँ ठीक है। और ये तो हो गया सिलेक्शन हुआ था, ये तो तब की बात है। अब एक वो भी फेज होगा अर्शदीप, जब पेरेंट्स भी टेंशन में होते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो अलका मैम की क्लास सुन रहा है डेली 9 से 10:30, क्योंकि पेरेंट्स भी मेरे साथ लिंक हो जाते हैं। वो कहते हैं, कई बार बच्चे मुझे बताते हैं कि मैं अभी पीछे बीमार हो गई थी, तो कहते हैं हमारी मम्मी कह रही है कि भाई आपकी मैम आई नहीं रात को क्लास लेने, आज क्या हो गया। वो लिंक हो जाते हैं पेरेंट्स भी, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही कहते हैं कि भाई आपकी मैम पढ़ा रही है इतना, आप पढ़ रहे हो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वो एक फेज आता है उस टाइम पे पेरेंट्स के साथ, है ना। तो वो आपके पेरेंट्स के साथ भी होगा। चलो हम आपके पेरेंट्स से तो अभी बात नहीं कर पाएंगे, पर आपने जरूर देखा होगा उस टाइम पर कभी कभी आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा डिमोटिवेट हुए होंगे। हुए आप बहुत बार बीमार हो गए थे आप एक बार बहुत, तो आप मुझे बता रहे थे कि मैम मैं बीमार हो गई, तो अब मेरे साथ मैं अपना ये सारा जो बैकलॉग है वो कैसे कवर अप करूँ। तो फिर मैंने आपको गाइड किया कि नहीं बच्चे कोई बात नहीं, बैकलॉग हो गया कोई बात नहीं, अपन उसे धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, पर देखो आप मुझे सब कुछ नहीं बता सकते, ऑब्वियसली मेंटोर को जितना बताने की जरूरत है उतना ही बताया जाता है। पर एक जो एस्पिरेंट है, मान लो जो इस क्लास को देख रहा होगा इस टाइम पे, आपका इस इंटरव्यू को सुन रहा होगा, ठीक है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, है ठीक है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चली होंगी। आपने उस टाइम पर उस चीज को कैसे मैनेज किया, कंट्रोल किया, वो थोड़ा बताओ। चला तो बहुत कुछ था मैम और ऐसे दिमाग में कि हाँ अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं कि कुछ नहीं होगा ऊपर से, जैसे कभी मेरे में हेल्थ इश्यूज थोड़े ज्यादा रहे हैं, तो फिर क्या होता था कि मैंने आपसे बात की है और मम्मा पापा से, फिर अपने पेरेंट्स से ही ज्यादा बात की है, तो मेरे पापा मेरे को मोस्टली एक ही चीज कहते थे, या फिर आपने भी हमेशा कहते थे कि अभी भी वो यही कहते कि वक्त दो अपने आप को थोड़ा, बस वक्त दोगे धीरे धीरे सब ठीक होगा, एकदम से करने लगोगे कुछ भी नहीं होगा। और आपसे जब मैंने बात की थी आपने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि टेंशन मत लो, टाइम दो, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो, तो वही। मुझे मुझे अपना एक आपके साथ किस्सा याद आ रहा है। जब आपका एग्जाम क्लियर हो गया था, आपको याद हो आप मेरी क्लास में आए थे, तब मैं टेंशन में थी और आपने मुझे ये बात कही थी कि अलका मैम थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो बच्चों ये बात मतलब कैसे रिपीट होती है, मैं कुछ पहले थोड़ा सा टेंशन में थी तब इसने मुझे ये बात कही थी। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये चलता रहता है लाइफ में। और वही बात है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से हम सीख लेते हैं, तब मैंने आपको कहा, पर तब जब हम खुद, मैं वही आपको कह रही हूँ कि जब इंसान खुद टेंशन में होता है तो भाई तब समझ नहीं आ रहा होता क्या करे, है ना। तो ठीक है अश्रिप, अब मुझे ये बताओ टीफर का कैंपस कैसा है। सारा कैंपस सुंदर है, काफी अच्छा है, सी व्यू है और सी फेस बहुत अच्छा है यहाँ पर, और वैसे भी कैंपस बहुत प्यारा बना हुआ है, मतलब काफी अरेंज कैंपस है, अच्छा जैसे स्टेप्स भी अच्छी एक हैं। एक रूमर्स फैलते हैं टीफर के, भाई अगर तुम टीफर में चले गए वहां पे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम वहां पे अकेले हो जाओगे, ये बातें हमारे सामने आई थी, तो वो सब ऐसा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर मैम सब बहुत बिजी हैं क्योंकि सब रिसर्चर्स हैं मोस्टली। आईआईटीज में क्या होता है कि वहाँ पे ग्रेजुएशन के बच्चे आ जाते हैं, बीटेक के आ जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे फेस्ट वगैरह होते हैं। यहाँ पर भी कुछ सेलिब्रेशन होती हैं, कल्चरल फेस्ट होता है, जैसे अभी रिसेंटली फाउंडर्स डे वगैरह हुआ था, लेकिन ओके यहाँ पर सब, यहाँ पर आपको आईआईटीज बहुत मिलेंगे। ओके फिजिक्स में बहुत आईआईटी मतलब आईआईटी से आते हैं, ओके आईआईटी से बीटेक फिजिक्स वगैरह करके और एमएससी आईआईटी से करके आए हैं बच्चे काफी। ओके ओके अच्छा तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्या है, मतलब आपको कितना स्कॉलरशिप मिल जाता है, आप अगर मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताओ। वैसे अपन इसके बारे में एक अलग से सेशन भी लेंगे, आज का सेशन तो मुझे डेडिकेटेड ये रखना था। तो बच्चों मैं ये बात पहले ही बता दूँ, अर्शदीप अभी तो ये सब नहीं बताएगी कि इसको यहाँ पर कितना फीस स्ट्रक्चर था,
और कितना इसको यहाँ से स्कॉलरशिप मिलता है, ये अर्शदीप हम बाद में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी आप स्पेशली फोकस हमें ये बताओ कि ये जो टाइम चल रहा है आईआईटी जेम का, जो प्रीशियस टाइम है, ये टीफर का एग्जाम होने वाला है कुछ टाइम के बाद, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी को वो फॉलो करें, या जो वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसी को करना है, टेस्ट लगाने चाहिए, सब उस चीज के बारे में बताओ। अभी तो जैसे नवंबर चल रहा है तो दिसंबर में एग्जाम आने वाला है, तो पहले TIFR का आएगा, जी तो TIFR के लिए जैसे आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो बताते हो जी वो तो करने ही करने हैं, वो तो पी जाओ पानी की तरह पी जाओ। ठीक है, तो वो तो पी जाओ हाँ। जो आप जो भी आपने बताए थे, और फिर उसके बाद IIT जैम के लिए भी जैसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फिर कंप्लीट सेक्शन वाइज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देन फुल मॉक। हेल्प करेगी थी हाँ, फुल मॉक। अच्छा एक पॉइंट आप मिस करके, वो है PYQ का फंडा, जितना PYQ करोगे मिलता बहुत है। उतने PYQs करोगे सबसे ज्यादा, PYQs गेट के भी और नेट के भी, जैसे नेट के भी, CSIR के भी होता है। आपके बैच में ये बेनिफिट हुआ था, मतलब कि हमने CSIR नेट के PYQ को भी लेना शुरू कर दिया था। इस बार मैं आपको बताती हूँ, मैंने हाँ टीफर का भी स्टार्ट किया, आज से मेरी स्टार्ट है क्लास। मैं टीफर 2014 से लेकर टीफर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगी, ठीक है। सभी बच्चों को ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक एंड प्रोफाइल लिंक है, वहां से भी आप लिंक ले सकते हो। अब मेरे को पता है कि मैंने अगर ये PYQ करा दिया, लगभग 10 PYQ है ये, 10 PYQ में 40 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन हो गए, इन 400 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन 100% रिपीट होंगे, आई एम राइट ना? हमारे पेपर में 5 क्वेश्चंस PYQ। मैंने तो एक आइडिया बताया कि 5-6 क्वेश्चन आपके टाइम पे, हाँ क्योंकि आपके टाइम पर भी रिपीट हुआ था, तो PYQ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपके टाइम से मैं अगर बताऊं कि आपके बैच में ऑर्गेनिक इतनी मस्त नहीं पढ़ाई थी मैंने, शायद अगर आप भी अभी देख रहे हो कि अब मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ाने का वे अलग हो चुका है, रीजन के साथ हम घुल मिल चुके हैं इस टाइम पर, तो बच्चों का ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ कि थोड़ा बच्चा जैसे ना आपके साथ ऐसा हुआ था नहीं हुआ था ये बताना, भाई आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, आपसे वो लगा नहीं, आपने दूसरा क्वेश्चन किया वो भी नहीं लगा, तो उस टाइम पे ना डिमोटिवेशन सा आता है कि भाई मेरे से तो हो नहीं रहा, औरों से हो रहा है, तब आप उसको कैसे डील करते थे? मेरे साथ ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक में आया, ओके okay. क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही रही है वीक बेकार, ओके okay. और ऑर्गेनिक तो मैंने आपसे ही सीखी है, जितनी भी थोड़ी बहुत सीखी है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चल रहा था, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं, मेरा आंसर आ ही नहीं रहा, फिर वो पता ही नहीं चला वो करना कैसे है। तो okay. ये स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर के पे मेरा हालात थे, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट आया सेम चीज, तो बीच में आया जून का गैप जब हमारे मिड जब हमारा सेमेस्टर ब्रेक आया, फिर उस टाइम पर मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया स्टीरियो केमिस्ट्री, फिर दोबारा से क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए थे, क्योंकि एजेंट्स जब मैम पढ़ा रहे थे तब तक थोड़ा मेरा ठीक हुआ, तो मतलब डिमोटिवेट हुए थे लेकिन फिर से स्टार्ट किया। आपके अंदर एक वो क्वालिटी है मेरे हिसाब से कि हार नहीं माननी है ना, वो क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर है ये क्वालिटी, मैं हार नहीं मानती हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, करेंगे पूरी आखिरी तक कोशिश करेंगे, तो यही बच्चों को पॉइंट है कि हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, और आपको भी पता है कि लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर बहुत हमारा इशू चलता रहा, बच्चे लाइव नहीं आते। आप बताओ लाइव और रिकॉर्डेड में बेस्ट क्या है, आपने तो दोनों चीजें क्योंकि करी है मिक्सअप करके। मेरे हिसाब से लाइव ज्यादा अच्छा रहा है, मैंने रिकॉर्डेड लगाए कुछ चैप्टर्स जब मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, क्योंकि वो बैकलॉग मेरा इकट्ठा हो गया था, लेकिन वो चीज नहीं आ पाई, आती नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, लाइव ज्यादा अच्छा रहा था मेरे लिए। ओके okay, तो कुल मिलाकर अगर आप कहो कि जैसे हमने एक नया फॉर्मूला बनाया अभी RPT का, मैं आपको बताती हूँ RPT का, रिवीजन करो आप भी वही करते थे, प्रैक्टिस करो टेस्ट लगाओ, रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट, हम बोलते हैं RPT, रिपीट रिपीट रिपीट। वो मेरी क्लास में बच्चे कमेंट नहीं करते, कभी टॉपिक में डाउट आ जाता है RPT, मैं कहती हूँ इतनी भी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हो, उसका मतलब रिपीट होता है, बस अपने हमने ये बना दिया कि हाँ ठीक है रिविजन करो प्रैक्टिस करो टेस्ट करो, तो बहुत बढ़िया अर्शदीप। अच्छा अर्शदीप एक बात बताइए, आपकी पूरी फैमिली में कोई ऐसा है जिसने ये सब एग्जाम क्रैक करे हो?
यू आर द फर्स्ट या लड़कियों में भी, आई एम द मतलब फर्स्ट बॉयज का चलो। हाँ जी, नहीं लड़की भी मैं हूँ। अच्छा ठीक है, बॉयज में भी नहीं है। अच्छा अच्छा आप पहले हो तो बहुत अच्छा फील होता होगा इस टाइम पर। और थोड़ा सा याद करें, अगर हम पीछे एक साल चले जाओ, पीछे यानी 2023 में नवंबर का टाइम चल रहा होगा, इस टाइम पे आप कैसा फेस कर रहे होंगे? आप वही फेस कर रहे थे जैसा इस टाइम ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, सेम ही फेस था, क्योंकि आपको थोड़ी पता था आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यू नो दैट, है ना? आपको कुछ इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। ओके तो अगर आप बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहो कि भाई एज अ मतलब एस्पेरेंट बताना, देखो टीचर चलो अलग है, मैं बहुत ज्ञान देती हूँ वो एक अलग चीज़ है, आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि भाई अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैम को फॉलो कर रहे हो, एक एक बात मान रहे हो, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज तो होती ही है, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो करने ही करने हैं अच्छे से, क्योंकि उनमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अभी नोट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, टेस्ट सीरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, अभी नोट्स और टेस्ट सीरीज का ज्यादा टाइम है। दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, कि जितना नोट्स रिवाइज करोगे उतना आपका सब चलता रहेगा, राइट? तो बहुत बढ़िया, ठीक है अर्षदीप, आपने काफ़ी कुछ बताया, बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया। आपकी ये जर्नी है एक, ये बहुत मतलब अब तो कहने में बहुत आसान है, भाई मैंने एक साल तैयारी करी, उस एक साल में जो सब कुछ हुआ, आपको लोगों ने आके कुछ कुछ कहा, किसी ने आके कुछ कहा, कि सबको बोलते हैं, हर बंदे को बोलते हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको बोलते होंगे, अरे भाई तेरे से थोड़ी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेरी क्लास में एक लड़की आती है, उसकी क्लासमेट ने उसको बोल दिया कि तेरे से एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्योंकि तू क्लास नहीं लगाती है कॉलेज में। वो मेरे को आगे गए, मैं कॉलेज में क्लास नहीं लगाती तो मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा। मैंने कहा ये सब बातें चलती रहती है, सबके साथ होता है, आप अपना पढ़ाई करते रहो, है ना? तो ये सब पॉइंट चलता रहता है, ठीक है? तो अर्षदीप, ठीक है, आपने अपना कीमती टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, आपने टीफर के बारे में बताया कि टीफर के लिए क्या करना जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। बाकी अभी आप बच्चों को सिर्फ यही कहो कि फोकस ऑन द यू नो कि पेपर पे फोकस करो, उसके बाद हम आपके साथ एक इंटरव्यू सेशन भी लेंगे कि आपके साथ टीफर के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए और आपने उनका कैसे कैसे जवाब दिया, वो एक अलग से सेशन हम लेंगे, अभी एक ही सेशन में नहीं करेंगे सब। और बाकी आपने IIT जैम एग्जाम, गेट एग्जाम, टीफर एग्जाम को क्रैक किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अनअकैडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वो क्या, हम मेरा एक डायलॉग था, एक सब्सक्रिप्शन से इतने सारे एग्जाम क्रैक करना, और अनअकैडमी पर केमिस्ट्री के अंदर आप पहले स्टूडेंट हो, मतलब इस वाले ईयर के, लास्ट वाले ईयर के पहले स्टूडेंट हो जो टीफर मुंबई में जाके सिलेक्शन जिन्होंने पाया है, तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे। हमने कभी ऐसे तो हम बातचीत कर ही नहीं पाए, हम क्लास में पढ़ते हैं, कमेंट्स में 99% कमेंट्स में बात हुई है अर्षदीप से, ठीक है? तो मेरी तो आपके साथ ब्लेसिंग्स है ये कि भाई आप बहुत आगे जाओ, बहुत ज़्यादा नाम कमाओ, और बस यही था, ठीक है? आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।